तो गाइस प्रॉब्लम हो गया, देखिए चेकिंग बैठा है इधर, प्रॉब्लम हो गया। पूरा वीडियो देखिए गाइस। इस वीडियो में जो मैसेज मिलेगा आप लोगों को, यह मैसेज सभी का पास पहुँचना जरूरी है। सेल्फ काम नहीं कर रहा है गाइस। सेल्फ मारने के टाइम पे बैटरी के पास एक साउंड आता है, टक करके एक साउंड आता है। फ्यूल तो फुल है गाइस, देखिए फ्यूल भी फुल है, पता नहीं किस लिए ये प्रॉब्लम हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है गाइस। बैटरी कैसे होगा शायद। तो गाइस रूट साइड असिस्टेंट प्रोग्राम RS मैंने बुक किया था, सो उसमें एक हेल्पलाइन नंबर है, उस हेल्पलाइन नंबर में कॉल करके उन लोगों के साथ बात करता हूँ। सो मैंने जो बाइक लिया था शोरूम से, वो लोग बोला एक साल के अंदर जितना भी प्रॉब्लम होगा मेरा बाइक में वो लोग फ्री में सॉल्व कर देगा। सो ये है मेरा बाइक का ऑल डॉक्यूमेंट्स, इसमें अभी वो जो हेल्पलाइन नंबर है निकलना पड़ेगा अभी। सो गाइस अभी ढूंढते हैं वो नंबर किधर है। सो डॉक्यूमेंट्स यही है, इस साइड नहीं है शायद। हाँ मिल गया गाइस, 1800-267-0268 यही है वो टोल फ्री नंबर। सो अभी उन लोगों के साथ बात करके देखते हैं क्या बोलते हैं वो लोग। तो गाइस मैंने हेल्पलाइन नंबर पे बात कर लिया, तो एक घंटे के अंदर शोरूम से वो लोग गाड़ी भेज रहा है, मेरा बाइक पिकअप करके लेके जाएगा, फिर जो भी प्रॉब्लम है वो फ्री में ठीक करके देगा। तो गाइस फाइनली शोरूम से आदमी भेज दिया है, भैया ने पहुंच गया, तो अभी बाइक उठाना है उस गाड़ी में, उठा के अच्छा से बांध लेना है। तो बाइक उठा लेते हैं गाइस, उठा के अच्छा से बांध लेना पड़ेगा। सो बांध के जाना पड़ेगा, दिमाग ख़राब हो गया गाइस, अचानक बाइक का प्रॉब्लम हो गया गाइस। तो गाइस अभी गाड़ी अच्छा से बांध लिया, तो अभी जाना है बरपेटा रोड शिमलागुड़ी KTM शोरूम जाना है। तो गाइस चलिए हमारे साथ, बहुत ही अच्छा लगेगा गाइस। तो है मेरा जन्नती, तो गॉड प्लीज़ सेव मी, अच्छा से रहना चाहिए, गिर जाएगा तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। गाइस कलकसिया पहुंच गया हूँ, आप लोग देख सकते हैं ये है कलकसिया बाज़ार, पहले से बहुत ही अपग्रेड हो गया है बाज़ार, देख सकते हैं आप लोग। तो गाड़ी में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, इतना अच्छा नहीं हो रहा है शायद, पूरा वीडियो देखते रहिए गाइस। शोरूम पे भी जाऊँगा और वीडियोज़ बनाऊँगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। गाइस इस साइड का नेचुरल लुक्स देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो गाइस शोरबुक पहुंचने वाला ही हूँ, सामने शोरबुक है, सो थोड़ा ही टाइम में शोरबुक पहुंच जाऊंगा। तो गाइस ये है शोरबुक, शोरबुक का ओवरब्रिज है ये, इसका नीचे से जाना है। तो गाइस ड्राइवर भैया ने इतना स्लो गाड़ी चला रहा है, क्या बताओ यार आप लोगों को, पूरा एक घंटा हो गया अभी तक शोरूम नहीं मिला, सो और भी 10 मिनट लगेगा शायद, गाड़ी में पिकअप भी नहीं है शायद, ऐसे लग रहा है, बोरिंग फील कर रहा हूँ, और भी टेंशन तो है ही, क्या हो गया बाइक में।
तो वो है मेरा जन्नती, बार बार देख रहा हूँ, गिर जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो गाइस शिमला गुरी पहुंचने वाला ही हूँ। देखिए कितना अच्छा अच्छा बिल्डिंग है, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है गाइस। ट्रक वगैरह है सामने, देखिए बांस खड़ा हुआ है, आज शायद गाड़ी बंद है इसलिए देखिए सब बांस रुका हुआ है। तो शिमला गुरी पहुंच गए गाइस, थोड़ा ही आगे शोरूम मिल जाएगा, तो अच्छा से दिखाना है बाइक को क्या प्रॉब्लम हो गया गाइस। दिमाग घूम रहा है गाइस, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा हूँ, क्या हो गया अचानक बाइक में। इधर पुलिस ने पकड़ा, शायद हेलमेट नहीं लेके आया, शायद ऐसा ही होगा। बहुत ही स्ट्रिक्ट है गाइस, अभी असम में बहुत ही स्ट्रिक्ट चल रहा है, कानून बहुत ही अच्छा किया गाइस। एक बाइक में दो आदमी बैठ सकता है, दोनों आदमी का हेलमेट रहना जरूरी है। ये जो रूल्स बनाया है गवर्नमेंट ने, मुझे बहुत ही अच्छा लगा गाइस। सेफ्टी में रहना जरूरी है रोड में, तो आप लोग जरूर सेफ्टी यूज़ कीजिएगा, चेकिंग भी बहुत ही होता है। तो गाइस शोरूम पहुंच चुका हूँ फाइनली, तो अभी बाइक को इस गाड़ी से नमाना पड़ेगा। तो देखिए गाइस कैसे बांध के लेके आया। तो गाइस शोरूम पे आ ही गया हूँ, तो बाइक वगैरह देख के जाते हैं, अच्छा लगेगा। तो गाइस ये है RC125 न्यू मॉडल, वाइट एंड ऑरेंज की कॉम्बिनेशन के साथ आता है ये, और इस साइड है ड्यूक, ये है ड्यूक 200।
ये है RC125, ये न्यू मॉडल है, ब्लैक एंड ऑरेंज की कॉम्बिनेशन के साथ आता है, 125 है ये। और ये है ड्यूक 250, ड्यूक में 250 मुझे बहुत ही अच्छा लगता है गाइस। तो गाइस ये है RC200, सेम इस कलर मैंने लिया हूँ, देख सकते हैं आप लोग, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है गाइस। ये RC200 है और ये साइड है ड्यूक, और ये है ड्यूक 250, देख सकते हैं आप लोग, ड्यूक 250 है। इसका जो ऑरेंज कलर है ना गाइस, बहुत ही खूबसूरत लुक्स प्रोवाइड करता है। ये है RC200 न्यू मॉडल। तो यही है शोरूम पे बाइक, और स्टॉक वगैरह है नीचे, मैं देख लिया नीचे बहुत स्टॉक लेके आया है। सो हमारा बाइक भी ठीक हो गया, अभी घर भी जाना है। तो हेलमेट वगैरह चाहिए तो इसमें ले सकते हैं गाइस, हेलमेट वगैरह भी है इधर। शबगिल बाइक लोगे क्या? तो गाइस बाइक तो कंप्लीट ठीक हो गया है। तो शोरूम पे आ ही गया हूँ तो थोड़ा सा अच्छा से वॉश भी कर लेते हैं, गाड़ी बहुत ही गंदा हो रखा है गाइस, तो वॉश करके भी लेके जाते हैं। तो चलिए गाइस बाइक को वॉशिंग कर लेते हैं अभी। तो गाइस अभी बाइक कम्प्लीटली रेडी हो गया है, अभी जाना है घर। तो गाइस चलिए अभी घर जाते हैं, भूख तो पूरा ही लग गया, पूरा दिन कुछ नहीं खाया हूँ। मेरा साथ एक फ्रेंड हुआ है, उसको भी कुछ नहीं खिलाया हूँ। तो अभी जाऊँगा कोलगछिया में, जाने के बाद थोड़ा सा खाऊँगा। तो गाइस चलिए, बहुत ही भूख लग गया है। तो अभी भी शिमलागुड़ी में ही हूँ, तो ये है शिमलागुड़ी। ये जो रूट है ना गाइस, ये इसको रिपेयर कर रहा है, बहुत ही ख़राब हो गया ये रोड, तो अभी रिपेयर चल रहा है, कंप्लीट नहीं हो पाया है अभी तक, तो काम चल रहा है अभी इस रूट का। तो उधर तो पुलिस है गाइस, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, दोनों हेलमेट है, सो लाइसेंस वगैरह सब कुछ है, बाइक का ऑल डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, प्रॉब्लम नहीं है, शायद डरने वाली कोई बात है नहीं। तो देखिए गाइस हमारा इधर भी ट्रैफिक है, थोड़ा सा ट्रैफिक लग गया इधर, इस साइड के नज़ारा देखिए आप लोग। तो सामने सेकिंग बैठा है गाइस, सिग्नल तो दे दिया, हेलो सर। तो गाइस मैं फाइनली घर पहुंच चुका हूं, तो अल्लाह का शुक्र मेरा पास ऑल डॉक्यूमेंटेशन था, इसीलिए पुलिस ने कुछ नहीं बोला मुझे।
सो कुछ दिन हो गया गाइस, एक हफ्ता हुआ, मेरा लाइसेंस भी कंप्लीट हो गया। सो मेरा ऑल डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, इसीलिए फाइन नहीं देना पड़ा। लेकिन मेरा पास एक लड़की था, उस लड़की का सब डॉक्यूमेंटेशन है लेकिन उसका पोल्यूशन नहीं है, इसीलिए उन चालान किया पुलिस लोगों ने। पोल्यूशन नहीं है इसीलिए उसका चालान बना दिया। सो गाइस, मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा, असम का जो अभी रूल्स रेगुलेशन है, लॉ के हिसाब से ही चलना चाहिए। क्योंकि देखिए, एक बाइक में दो आदमी बैठ सकता है, दोनों आदमी का हेलमेट रहना जरूरी है। जो रूल्स किया है ना, हम लोगों के लिए किया है, बहुत ही अच्छा किया है। सो गवर्नमेंट में जो रूल्स बनाए हैं रोड में बाइक लेके चलने के टाइम पे, बहुत ही अच्छा रूल्स बनाए हैं, हम लोगों के लिए ही बनाए हैं, हम लोगों का अच्छा ही होगा इसीलिए बनाया है। सो बाइक का जो ऑल डॉक्यूमेंटेशन रहना जरूरी है, वो भी आप लोग कंप्लीट करके रखना चाहिए। तो देखिए, आजकल जनता बालीगढ़ कोलकाता सभी जगह में पुलिस लोग बैठ जाता है चेकिंग करने के लिए, तो हम लोग का कोई गलती नहीं होना चाहिए। सो हमारा असम का जो रूल्स है, लॉ है, और लॉ के हिसाब से चलना चाहिए। थैंक यू गाइस, जय हिंद।